बात करेंगे बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं याद देखिये माइ डियर ऑल कि क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं और कौन कौन सी उनकी पावर पर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जी हाँ

कि देख रहे हैं कि कुछ वेल नोन है ठीक है इन वेल नोन फेसिज की अगर मैं बात करूँ ये लोग आप लोग जानते हैं कुछ जैसे आकाश अंबानी की बात करें चेयरमैन ऑफ लाइन जू है या नायिका जी की बात करें सक्सेशन मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो कि यू you नो know की गोदरेज की कंपनी की बात कर रहे हैं इनके साथ में या हम बात करें सुदर्शन जी की बात करें जैसे एमडी ऑफ एमडीएस मोटर्स की बात करते हैं वेल नोन कंपनीज हैं यार ये ब्रांड्स ठीक है तो क्या ये अपनी कोई भी पावर किसी भी एक्सेस कर सकते हैं नहीं सर सर दे नीड टू अंडरस्टैंड सेक्शन 179 ऑफ एक्ट दे हैव टू विद सेक्शन 179 सर right, और वो सेक्शन 179 क्या बताएगा पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेरे साथ सेक्शन बोलिएगा पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑल राइट एंड एंड सेक्शन 180 की कॉम्बिनेशन के साथ में यहां देखिएगा पढ़ना होगा हमको जब सेक्शन 179 पढ़ेंगे तो हमको रीड करना पड़ेगा रूल नंबर एट रूल मेरे साथ बोलो बेटा रूल एट क्या बात करेगा ठीक है ऐसे पूरा लिखेंगे मीटिंग ऑफ बोर्ड पावर तो सेक्शन 179 किसकी बात करेगा पावर ऑफ द बोर्ड सर हमको याद है सर हम में पढ़े हुए नॉट टू वरी अबाउट सबके लिए है, और आई सेक्शन इस सेशन इस के अंदर

पावर करना चाहते हैं तो पावर अंडर उनको कंपनीइज करती हो या मेमोरेंडमराइज करता हो आर्टिकल किया गया हो. Right. अब यूजली पहला -पहला क्या होता है आपको जो कंपनी पावर एक्सरसाइज कर सकती है वही पावर या देखे बोर्ड ऑफ डायरेक्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं बट यहां पर सेक्शन 180 जब हम पढ़ते हैं सेक्शन 180 किसका है 13 का। वो रिस्ट्रिक्शन लगाता है पावर पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है वो रिस्ट्रिक्शन कर मतलब अगर बोर्ड को मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कंपनी के अंडरटेकिंग को सेल करना या लीज पे देना है और वो ट्वेंटी परसेंट सर ट्वेंटी परसेंट अभी बताऊंगा ट्वेंटी परसेंट का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम कैसे चेक करेंगे कि वो अंडरटेकिंग सेल करने की जब बात होगी तो ठीक है अभी समझते हैं लो, है? हम लोग ठीक है तो हम अंडरटेकिंग सेल करने की बात करेंगे तो कंपनी को स्पेशल रिजोलूशन पास करना पड़ेगा या किसी डायरेक्टर को है ना लोन आपने मान लीजिएगा कंपनी ने डायरेक्टर को लोन दिया अब वो डायरेक्टर रिपे नहीं कर पा रहा है तो हम कह कर रहे हैं उसको थोड़ा एक्सटेंशन दे रहे हैं मतलब थोड़ा टाइम और दे रहे हैं कि भाई ठीक है तुम नेक्स्ट मंथ पे कर देना तुम्हारी ड्यू डेट थी बट ड्यू डेट पे तुम पेमेंट नहीं कर सकते हो सुनो ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं तुम्हें एक महीने का टाइम दे रहे डायरेक्टर अपना मन से दे देगा क्या नहीं

All right, in exercising such power or doing such acts or things, the board shall be subject to the provision contained in the this behalf. अब ध्यान सुनना बेटा, आप भी बताए थे, power कर सकते हो चीज़, हाँ, लेकिन check कर लेना act को, companies act को, ठीक है? Memorandum में authorize है नहीं, articles check कीज़ेगा, and regulation not in inconsistent therewith, and most important thing, ऐसा नहीं होना चाहिए, memorandum में आपने ऐसे act authorize कर रखा है जो companies act के allowed नहीं कर रहा है, all right? अभी बताऊंगा सेक्शन 179 वन सेवेंटीन तो तो जो पढ़ेंगे तो चार तरीके से पावर एक्स कर सकते हैं या तो बताया उसके थ्रू मेमोरेंडम आर्टिकल या फिर उनको किया गया होगा कहां पर इन जनरल मीटिंग क्लियर चलिए

बाय बैक करना है कंपनी को बोलो ना मेरी बात को बाय बैक करना है अप टू अपटेंटी परसेंट अपटेंटी परसेंट ठीक है अप अपटू ट्वेंटी बाय करना है तो लोग जानते होंगे कि ये ऑफ डायरेक्टर का पावर में नहीं आता है तो उसके लिए क्या होगा बोर्ड को कॉल करना पड़ेगा जनरल मीटिंग तो ये जनरल मीटिंग में होगा तो क्या बोर्ड पावर एक्स कर सकता है नो अभी बताएंगे आप लोग जानते होंगे टेन परसेंट तक बोर्ड कर सकता है ना सेक्शन टू प्रोवाइड्स दैट

इनवैलिड डिक्लेयर कर दें आंसर इज आई मीन सिंपल थिंग इज दैट कोई भी अगर वैलिड एक्ट अगर डायरेक्टर एक की पावर में था उन्होंने एक्सरसाइज किया है तो उसको शेयर होल्डर चेंज नहीं कर सकते हैं हाँ दूसरी इंपॉर्टेंट बात सपोज कोई पावर ऐसी है जो कंपनी के एम्बिट में है मतलब वो पावर है कंपनी के मेमोरेंडम में डिफाइन है बट वो पावर सिर्फ शेयर होल्डर एक्साइज कर सकते हैं लेकिन सपोज अगर ऐसा हो जाता है कि उस पावर को डायरेक्टर ने एक्साइज कर दिया तो याद देखेगा हम इसको बोलेंगे इंट्रा वायरस एक्ट आपने सुना होगा इंट्रावायरस एक्ट इंट्रावायरस एक्ट कौन से होते हैं जो तो विद इन द कंपनीज पावर होते हैं बट नॉट विद इन द बोर्ड पावर होते हैं तो जब ऐसा कोई एक्ट जो कि इंट्रा वायरस हो जाता है उसको रेक्टिफाई कर सकता है कौन शेयर होल्डर्स याद रखना उसको शेयर होल्डर्स रेक्टिफाई कर सकता है बट वो अल्ट्रा वायरस नहीं होना चाहिए मतलब बियॉन्ड द कंपनीज पावर नहीं होना चाहिए तो दो बातें हमको याद रखनी है पहला कोई भी एक्ट जो कि बोर्ड की पावर में है वो अगर बोर्ड ने एक्सरसाइज किया है तो उसको याद रखिएगा शेयर होल्डर आगे जाकर उसको इनवैलिडेट नहीं कर सकता है ठीक है दूसरा अगर कोई इंट्रा वायरस है मतलब विद इन द कंपनीज पावर है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक्सरसाइज कर दिया और वो की पावर की एक्ट है। तो उसको कर है होल्डर्स। ये मैं आपको दे हैं बीच में फोर्टीन आइए मेरी बात बेटा ध्यान से देखना अभी क्या भी याद कराना है हमको अभी क्या भी याद करना देखो क्या, क्या क्या काम कर सकता है टू मेक कॉल्स ऑन शेयर होल्डर इंस्पेक्ट ऑफ मनी अनपेड ऑन दियर शेयर स अनपेड ऑन शेयर मनी किसको बोलेंगे शेयर होल्डर्स को भैया अपना पैसा दो कौन सा जो तुमने अभी तक पे ऑफ नहीं किया मतलब आप लोग जानते होंगे अनपेड अमाउंट को पे करने की बात कर रहे हैं यहां पर बाय बैक ऑफ द अंडर सेक्शन कितना टेन परसेंट और लेस टेन परसेंट और लेस याद रखना टेन परसेंट और लेस टोटल लिख लेना अपना भैया मॉड्यूल में साइड में टोटल पेड अप अपी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व इतना किसके पावर में आता है डायरेक्टर्स का पावर में आता है इतना डायरेक्टर लोग कर सकता है कैसे करेगा बाय पासिंग बोर्ड इन जनरल मीटिंग इसमें पूछ सकता है कि क्या डायरेक्टर लोग है ना सर्कुलर के थ्रू जान सुनना क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सर्कुलर के थ्रू ऑथराइज कर सकता है बाय बैक को ये क्वेश्चन बन गया यहाँ पर जी सर्कुलर के थ्रू नहीं बोर्ड मीटिंग एक्सरसाइज कर सकता है और कितना कर सकता है टेन परसेंट तक इज इट क्लियर आपको एक बेक की बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता बेटा एक केस मैं आपको बता रहा नोट कर लीजिएगा आपके नॉलेज के लिए बड़ा जरूर है देखो डायरेक्टर लोग है ना कंपनी के बेनिफिट के लिए प्लान कर रहा है ठीक है और जो पावर मैंने बताया कि ऑलरेडी गिवन है जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और आपको क्वेश्चन बताता हूं ऑलरेडी पहले पूछा गया है आईसी ने पूछा मान लीजिएगा राइट इशू की हम बात करते हैं अब राइट इशू की हम बात कर रहे हैं कंपनी को लगता है एडिशनल कैपिटल की जरूरत है एडिशनल कैपिटल का जरूरत है तो क्या कंपनी के डायरेक्टर लोग एडिशनल कैपिटल के लिए राइट right इशू ला सकता है ऑफ कोर्स ला सकता है डायरेक्टर्स को अगर लगता है प्रोवाइडेड वो बोनाफाइड हो ठीक है तो क्या ऐसा होगा कि शेयर होल्डर्स इस रेजोल्यूशन को जी हाँ अगर मान लीजिएगा डायरेक्टर्स ने रेजोल्यूशन पास किया टू इशू राइट श्योर इज इट क्लियर क्या इसको कैंसिल कर सकते हैं शेयर होल्डर्स आंसर इज नो अगर वो एक्ट किसके बेनिफिट बेनिफिट में में कंपनी के है है और वो एक्ट इन दैट केस राइट इशू वैलिड रहेगा शेयर होल्डर सुपरसिड नहीं कर सकते हैं कैंसिल नहीं कर सकते हैं एक केस बता रहा हूं नोट कर लीजिएगा नोट कर लीजिए बेटा एग्जाम में पूछ सकता है डेली सॉरी कलकत्ता हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था इन 1998 एट बड़ा इंटरेस्टिंग केस है एग्जाम में आता था बेटा लिख के आना ठीक है आइए मिलन मिलन सेन वर्सेस लिख लीजिएगा बेटा लिख लीजिएगा गार्डियन गार्डियन प्लास्टिकेट प्लास्टिकेट लिमिटेड यहां कलकत्ता हाई कोर्ट ने इन 1998 जे जजमेंट दिया एग्जैक्ट नाम में आएगा बेटा लिख लिखया आना है ना कोर्ट करके आना ठीक है कि क्या कि अगर कंपनी के डायरेक्टर्स राइट इशू लेके आते हैं किस लिए एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए तो वो ला सकते हैं उस कोर्ट शेयर होल्डर्स उस प्रपोजल को सुपरसेट नहीं कर सकते हैं क्या हो रहा है मतलब क्या कंपनी राइट इशू ला सकता है आंसर इज तो ये पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी एक्सेस कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी इज इट क्लियर कौन सा केस है मेलनसेन वर्सेस गार्जियन गार्जियन क्लासिकेट लिमिटेड क्या देखेगा दिल्ली सॉरी कैलकाटा हाईकोर्ट के जजमेंट था क्लियर चलिए आगे देखते हैं

एक मैं आपको पहले एक बात क्लियर कर दूं यहाँ एक बच्चा मिस्टेक कर दिया था पहले भी जियो में पावर जितनी भी बात कर रहा हूं ये सारी की सारी पावर याद रखेगा इन बोर्ड मीटिंग होंगी ये नोट कर लेना अच्छे से लेना सारी पावर बोर्ड मीटिंग में होंगी फोर मार्क्स क्वेश्चन आता है उसमें सिर्फ इतना सा क्लॉज डाल यू नो फैक्ट फैक्ट डाल फैक डाल देते हैं दिया जाता है ये पावर बाय सर्कुलेशन एक्सरसाइज की गई है तो ये वैलिड एक्ट है आंसर इज नो ये वैलिड एक्ट याद रखेंगे हम लोग है वो बोरिंग uh, या नो बट बोरिंग्स की बात हो रही इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही हो प्रोवाइड लोन गारंटी की बात हो रहा हो या मैं कॉल्स ऑन शेयर होल्डर्स करना हो ठीक है या आप सोच देखिए बाय बैक करना हो ठीक है फाइनेंशियल सेटमेंट्स को अप्रूव करना हो मर्जर अमल कमीशन हो ये सारी पावर एक्सेस कहाँ होंगी इन द बोर्ड मीटिंग अप्रूव अमल कमीशन मर्जर रिकंस्ट्रक्शन टेक ओवर अ कंपनी एक्वायर कंट्रोलिंग सबसे मेक पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन

लोन गारंटी डेलीगेट हो रहा है यहाँ को कोई डाउट नहीं होगा मेरे बच्चों को क्लियर है अभी एक एक पे जा रहा हूं, ना. तो हमने केस पर कर लिया है ठीक है सेक्शन हमने याद किया सेक्शन वन सेवनटी नाइन सेक्शन थ्री रीड नंबर रूल नंबर एट मीटिंग ऑफ बोन एस पावर फोर्टीन इन राइट इस समय रीड करके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन हम इसको कोड करके आएंगे साथ में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आया तो जहां पर इन पावर्स को सुपरसेट किया जा रहा है बाय द शेयर होल्डर्स तो हम एक जजमेंट भी रेफर करेंगे जजमेंट हमने कुछ लिया है। हाई कोर्ट का चलिए अब मेरे बच्चों देखो सेक्शन वन सेवन द बोर्ड में बाय रेजोल्यूशन पास एडमिटिंग डेलीगेट एनी टू अभी ये पावर जो सेक्शन हमने पढ़ी थी कौन सी वापस बोल दो यार एक प्लीज एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा देखो कौन सा बोरोइंग मनी इन्वेस्टमेंट एंड प्रोवाइड गारंटी लोन और सिक्योरिटी किसको कर सकती है कमेटी को हाईलाइट कर लेना यार इसको छोड़ मत जाना कमेटी को कर सकती है और राइट मैनेजिंग डायरेक्टर को कर सकता है पावर ऐसा ही क्वेश्चन बन जाएगा कि कंपनी के बोर्ड ने किया किस किसको एमडी को एमडी ने पावर एक्सरसाइज किया है किस लिए बोरिंग करने के लिए कंपनी के बेनिफिट के लिए कर सकता है एक और बताता हूं। एक, क्या होगा मान लीजिएगा एक डायरेक्टर है उसने कंपनी के लिए बोरिंग कर ली एक डायरेक्टर है ठीक है एक ही डायरेक्टर ने मतलब कंपनी में डायरेक्टर पांच है मान लीजिएगा पर एक डायरेक्टर ने कंपनी के लिए बोरिंग करी है कंपनी के बेनिफिट के लिए बोरिंग करी और वो पैसा कंपनी के हाथ में गया है तो क्या ये यह वैलिड मान जाएगा क्योंकि जो आउटसाइडर है जो लैंडर है प्रोवाइड कर रहा है फंड क्या वो ये एज्यूम कर चलेगा कि भाई डायरेक्टर है लोन अगर ले रहा है कंपनी के बेनिफिट के लिए तो हो तो होगा आंसर इज उसे यही माना जाएगा कि वो ऑथोराइज है क्लियर हो रहा है क्योंकि हम एक एक्सप्रेस और पावर मान जाती है एम्प्लाइड का मतलब ये एज्यूम किया जाता है अगर बोरइंग की जा रही है और डायरेक्टर अगर कर रहा है तो कंपनी के बेनिफिट के लिए किसके हाथ में गया हो कंपनी के हाथ में गया हो क्लियर so, तो मीन डायरेक्टर को पावर डेलीगेट हो सकती है मैनेजर को हो सकता है बेटा इन लोगों को पावर भी डेलीगेट कर सकते हैं कौन कौन सी तीन पावर अब मैं बात सिंह बोलूंगा बस इतना बोरिंग की इन्वेस्टमेंट की एंड लोन की बेटा कमेटी एमडी को मैनेजर को प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द ब्रांच क्लियर है उसको भी कर सकते हैं ना फर्दर बेटा ध्यान दीजिएगा आप बोल रहे हैं बेटा अच्छे से क्वेश्चन कंफर्म जाएगा देखना कंफर्म जाएगा सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन 179/73 और सुनो अगर नहीं भी आएगा ना तो तुम्हारे ट्रेनिंग में 100 परसेंट आएगा यहां तो इस क्वेश्चन 100 परसेंट रहता है और राइट आइए एक्सेप्टेंस बाय बैंकिंग कंपनी

यहां पर इन पावर्स पर रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकता है प्रोहिबिट नहीं कर सकता है कि डायरेक्टर की पावर एक्सरसाइज ही नहीं कर सकता ऐसा नहीं है रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं ठीक है यहाँ देखिएगा रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं बट अब यहां पर जैसे मैंने बोला मान लीजिएगा हम बोल रहे बात करते हैं जैसे बोरो मनी एग्जाम्पल रहा बेटा ध्यान से बोरो मनी आप लोग जानते होंगे बोरो मनी के भी हम जब कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो सेक्शन हंड्रेड एट्टी को हमको चेक करना पड़ेगा रिस्ट्रिक्शन के लिए रिस्ट्रिक्शन पावर ऑफ द बोर्ड अब क्या ये रिस्ट्रिक्शन बोर्ड की पावर पर लगा सकती है आंसर इज जस्ट तो यहाँ पर लॉ ने कुछ डिटेल एनालिसिस करके हाँ, जो कि हाँ लॉ ने बताया डिटेल एनालिसिस हम कर आपको बताएंगे ताकि सेक्शन आपकी बुद्धि में अच्छे से बैठे अब सेक्शन हंड्रेड एट्टी के लिए बेटा आपको अलग से एक लेके चलते हैं यहाँ पर देखो आओ बहुत ध्यान सुनना एग्जाम के लिए फिर बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है देखो आओ आप चाहे तो बीच में स्क्रीन शॉट ले लेना मैं अभी आपके लिए रोकूंगा आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसका ध्यान सुनिएगा मेड्यूल साथ में रखिएगा सेक्शन हंड्रेड एट्टी की हम बात करेंगे पहली बात ये बात कर रहा है पब्लिक कंपनी का नोट बना लीजिएगा साथ में और इसको रिक्वायर्ड होगा एस आरक्स्ट के लिए देखो आप कंपनी अगर सेल करता है लीज करता है डिस्पोज ऑफ करता है कंपनी होता है इसको रट्टा मार रही है और समझी नहीं तो फिर गड़बड़ कर जाएगा इंटरप्रिटेशन देखो इसलिए इन विच इन्वेस्टमेंट करना बच्चों इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी एक्सीड ट्वेंटी परसेंट ऑफ इट्स नेटवर्थ एज पर ऑल बैलेंस शीट ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर पहला क्राइटेरिया तो यह है क्या है बेटा जब हम देख रहे हैं अंडरटेकिंग हम अगर अंडरटेकिंग की अगर बात करेंगे तो हमको देखना पड़ेगा कि अगर एक्सीड कर रहा है एक्सीड कर गया मतलब एक्सीड कर रहा है ट्वेंटी परसेंट ऑफ कंपनी नेटवर्थ ऑफ कंपनी नेटवर्थ ट्वेंटी परसेंट किसका निकालेंगे अगर कंपनी के अंदर कंपनी का इन्वेस्टमेंट ध्यान से सुनना मेरे बच्चों कंपनी का इन्वेस्टमेंट इस अंडरटेकिंग के अंदर ध्यान सुनना मेरी बात को कंपनी की इन्वेस्टमेंट मान लीजिए कंपनी है एबीसी लिमिटेड याद रखना लिमिटेड है प्राइवेट लिमिटेड नहीं है ठीक है तो अगर एबीसी लिमिटेड की इन्वेस्टमेंट इस अंडरटेकिंग में कितना है 20% से ज्यादा 20% से ज्यादा और वो कैसे पता लगेगा जो एबीसीडी की नेटवर्थ नेट है फॉर एग्जांपल अगर इसकी नेटवर्थ है क्लियर क्लियर इसकी नेटवर्थ है इट और इस अंडरटेकिंग में एबीसी लिमिटेड की इन्वेस्टमेंट मान लीजिएगा ट्वेंटी है तो इसको हम यहाँ पर सेक्शन हंड्रेड एट्टी की में ले रहे हैं, मतलब उसको हम अंडरटेकिंग मान रहे हैं अब उस अंडरटेकिंग को क्या हो रहा है सेल किया जा रहा है या उसको लीज पे दिया जा रहा है या उसको डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है ठीक है तो पहला कंडीशन जो ये चेक कर लीजिएगा उसका नेटवर्क से या फिर जनरेट डूरिंग अब देखो या फिर यही अंडरटेकिंग तो ने निकाल ली नहीं तो हम दूसरा मेथड का निकाल के देखेंगे इन्वेस्टमेंट ना देख करके देखेंगे इनकम इनकम अब मान लीजिएगा एबीसी लिमिटेड की इनकम है हंड्रेड करोड़ उसमें ट्वेंटी वन करोड़ इस से पैसा मिलता है तब उसको मानेंगे दो क्राइटेरिया है एक तो नेटवर्क चेक करके ठीक है नेटवर्क नेटवर्क चेक करेंगे या फिर हम चेक करेंगे की जो उस अंडरटेकिंग से कंपनी की टोटल इनकम इनकम आ रही है क्लियर चलिए सब्सेंशियल होल ऑफ अंडरटेकिंग इन एनी फाइनेंशियल मीन ट्वेंटी और मोर ऑफ द वैल्यू

और बायर ने एबीसी लिमिटेड से उनकी अंडरटेकिंग एक्स को यहां पर किया, किया। अब उनको पता था इतना पता था, 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 था कि इस अंडरटेकिंग को परचेज करने के लिए सेक्शन हंड्रेड को फॉलो कर लिया होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बट सपोज डायरेक्टर ने ऐसा नहीं किया और अब मान के चलते ऐसा कि वहां पर एस पास करना था बट एस पास नहीं हुआ बट मिस्टर ए ये जूम करके चल रहे हैं कि एस कंपनी ने पास कर लिया है ठीक है तो क्या और ऐसा इन रियलिटी हुआ नहीं है डायरेक्टर ने विदाउट पासिंग एस मतलब विदाउट फॉलोइंग फॉलो दस पेक्शन सेक्शन 180 जो कि बताया गया था उन्होंने फॉलो नहीं किया तो क्या सर इसका जो टाइटल है बायर का जो कि टाइटल किससे मिल रहा था बेटा टाइटल मतलब हक हाँ हो गया प्रॉपर्टी वो अंडरटेकिंग एक्सपायर वो खत्म हो जाएगा आंसर इज नो अगर वो गुड फेथ में लिया है ठीक है गुड फेथ में लिया है इस पे आप लोगों को डॉक्ट्रिन याद आ गई होगी मैं उम्मीद कर रहा हूँ और किसी एग्जीक्यूटिव बच्चे को डॉक्टर नहीं पता होगा तो SBEC का लेक्चर आ रहा है याद रखेगा मंडे से मतलब नेक्स्ट सेशन से ही है तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा SBEC के लेक्चर्स नाउ सेल लीज़ ऑफ़ एनी प्रॉपर्टी ऑफ़ कंपनी ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अब कंपनी का मान लीजिएगा एक बिल्ड कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है वो आ, कंपनी है जो कि कंस्ट्रक्शन में डील करती है बिल्डर है फ्लैट्स बनाती है प्रॉपर्टी सेल करती है इस तरह उसको ऑर्डनरी बिजनेस है प्लांट फेब्रिकेशन काम है एक्वायर करना है तो वहां पर भी नहीं होगा अब इंटरेस्टिंग फैक्शन है मेरे बच्चों कहता है स्पेशलो पास बाय क्रांजेक्शन रेफर टू सबसे पहले बता दीजिएगा बोरो मनी याद होगा अगर कंपनी मनी बोरोहा है वेयर मनी सो मनी टू बी बोरोड टू गैदर मनी ऑलरेडी बोरोड बाई कंपनी विल द्रीकेट ऑफ इट स्पेडियपिटल फ्रीजर एंड सिक्योरिटी अकाउंट ध्यान सुनना मेरी बात को बेटा इसको भी अभी के भी भी सीख लो अच्छे से एबीसी लिमिटेड हमारा कंपनी और हम बताए क्योंकि हम लोग पहले कह चुके हैं कि ये किस पे अप्लाई हो रहा है पब्लिक कंपनी पे एबीसी लिमिटेड ना ध्यान सुनना मेरी बात को बेटा एबीसी लिमिटेड मान लीजिएगा बोरिंग करने जा रहा है पैसे का जरूरत है इनको ठीक है इस कंपनी को पैसे की जरूरत है हम जानते हैं सेक्शन वन सेवनटी नाइन सब सेक्शन थ्री के अंदर बोरिंग की पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मिला बट अगर मान लीजिएगा ऐसा होता है कंपनी ने ऑलरेडी बोरिंग की हुई है और कंपनी की प्रपोज बोरिंग ऑलरेडी बोरिंग एंड बोरिंग ठीक है कह रहा है अगर ये दोनों एक्सीड कर जाता है किससे कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल पेड अप शेयर कैप प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट देखो उसको अलेक्ट करो यहां पर अपने भी मॉड्यूल में भी अगर प्रोवाइडेड है तो उसको अलेक्ट कर लो पेड़ हम एग्जाम्पल में मान लेते हैं टोटल कितना हो गया आपका थर्टी रुपीज ठीक है एज्यूम कर रहे हैं थर्टी रुपीज ठीक है अब ऑलरेडी बोरिंग मान लीजिए कंपनी की फिफ्टीन है और कंपनी की प्रपोज बोरिंग सिक्सटीन है कंपनी ने पहले सी बोरिंग कितना है पंद्रह और आगे सोलह और करना चाहता है टोटल कितना होगा थर्टी वन क्या कंपनी का डायरेक्टर लोग इसको अप्रूव करके चला दे आंसर इज नो अब ये पावर बियॉन्ड हो गया किसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बट विद इन द पावर ऑफ शेयर होल्डर है तो यहां पर क्या लगेगा थर्टी तक करने के लिए एस इसको फिर समझो अगर कंपनी की अगर ये बोरिंग फोर्टीन होती पहले ऑलरेडी बोरिंग कितनी की हुई है फिफ्टीन और अगर कंपनी फोर्टीन करना चाहता था कर सकता था पाई पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन

That, अब मान लीजिए कंपनी ने डायरेक्टर को पेमेंट आ, कुछ पैसा दिया हुआ था अब उसको रिपेमेंट करने का टाइम आया बट वो डायरेक्टर ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं कर पाता है तो क्या डायरेक्टर लोग अपना या फोर्स बोर्ड डायरेक्टर अपनी मर्जी से उसको एक्सटेंशन दे सकते हैं आंसर इज नो एक्सटेंशन ऐसे नहीं मिलेगा डिपार्टमेंट व्यू है बेसिकली अब इसको हम यहाँ पे रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पॉइंट से बोलते हैं पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी याद रखेगा डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स था ठीक है

तीन बातें करना को क्या कर रहा है मॉर्गेज करके लोन ले रहा है ठीक ठीक है 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 सर तो कंपनी को यहां पर सेक्शन क्लॉज ए के साथ नहीं करना मतलब यहाँ पर कोई सेल लीज या परचेज वाली एस्पेक्ट नहीं आई ना तो सेल हुआ ना लीज हुआ ना डिस्पोज ऑफ हुआ ठीक है बट अगर ये यूसुफैक्चरी मॉर्गेज है यूसुफैक्चरी मॉर्गेज समझते हैं यूसुफैक्चरी मॉर्गेज का मतलब क्या होता है बच्चों कि मान लीजिएगा जो प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पर अंडरटेकिंग बेसिस पे लोन लिया जा रहा है उसका पोजेशन भी ट्रांसफर कर दिया जाता है किसको लैंडर को और उससे जो आने वाली जो इनकम है लाइक अगर मान लीजिए अंडरटेकिंग से रेंट आ रहा है कोई प्रॉफिट आ रहा है तो लैंडर का उसके ऊपर राइट आ जाता है वो लैंडर जो है उसको प्रॉफिट को एज इन दिन यू नो इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट उसको चार्ज करता है ठीक है? So, है तो एक्चुअली मॉर्गेज अगर है तो याद रखेगा सेक्शन हंड्रेड एट्टी सब सेक्शन वन क्लॉस ए अप्लाई होगा देखिए देखो बट the इट would would इज कर दिया मॉर्गेजर ने दो पार्टी का मार्गेजर और मॉर्गेजी जो मांग रहा है बोरिंग कर रहा है वो पर्टिकुलरली टेक्निकल पे मॉर्गेजर जो प्रोवाइड करेगा लोन उसको बोलेंगे mortgagee

same in lieu of the interest partially in payment of mortgage money partially in lieu of the interest partially in payment of the mortgage money सर एक बार आप सीधा-सीधा बताओ ना देखो और मेरे बच्चों समझते हैं इसको एक बार एबीसी लिमिटेड हमारी कंपनी है ठीक है एबीसी लिमिटेड हमारी कंपनी है इसकी एक अंडरटेकिंग है इसकी एक अंडरटेकिंग है अंडरटेकिंग एक्स ठीक है अंडरटेकिंग एक्स अंडरटेकिंग एक्स ध्यान सुनना कंपनी को जरूरत पड़ गया लोन लेने का तो बोरो किया कंपनी ने मनी ठीक है इसको मॉर्गेज कर दिया इसको मॉर्गेज कर दिया अंडरटेकिंग एक्स को और एच डी एफ सी बैंक से मान लीजिएगा कंपनी ने बोरिंग्स करी है किसको अंडरटेकिंग एक्स को यहां पर रखकर लेकिन जो अंडरटेकिंग एक्ट है ना इससे कंपनी को मान लीजिए या तो कोई किसी का तरीके का प्रॉफिट मिल रहा है या कंपनी को उससे कोई रेंटल इनकम आ रही थी अब क्या होगा यूसुफ फैक्चरिंग मॉर्गेज में अंडरटेकिंग एक्स की जो पोजीशन है वो ट्रांसफर हो जाएगी किसके पास जाएगी एच बैंक के पास और जो उसके प्रॉफिट है और रेंट्स हैं वो भी एच डी एफ सी इन्जॉय करेगा क्यों क्योंकि जो इस बोरोइंग पर इंटरेस्ट पेमेंट करनी थी किसको कंपनी एबीसी लिमिटेड को अब एबीसी लिमिटेड उसकी एडजस्टमेंट कर लेगी मतलब इंटरेस्ट मान लीजिएगा आपको देना पड़ा था हंड्रेड रुपीज ठीक है और इससे इनकम आ रहा था आपको एट्टी रुपीज आपकी अंडरटेकिंग एच डी तो एफ सी बैंक यहाँ पर एट्टी रुपीज भी यहाँ से ले लेगा ट्वेंटी रुपीज आप उसको अलग से और दे देंगे क्लियर है तो यूसी मॉर्गेज में बेसिकली क्या होता है कंपनी की जो अंडरटेकिंग है जो भी प्रॉपर्टी उसकी ट्रांसफर कर जाती है जब तक एबीसी लिमिटेड पूरी तरीके से इसका पेमेंट नहीं कर देती है जैसे ही पेमेंट कर देगा अंडरटेकिंग एक्स वापिस से किसको मिल जाएगा एबीसी को क्लियर चलिए यहां पे बोल रहा है हार परचेज एंड लीजिंग ट्रांजेक्शन सेक्शन सेवन क्लॉज डी

Close unit है 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 कंपनी कंपनी की मान लीजिए हमारी इसकी अलग-अलग अलग-अलग ऐसे अलग -अलग कुछ थी और उसमें से एक्स जो है, वो उसपे कोई वर्किंग नहीं हो रहा है वो बंद पड़ा है तो अगर डायरेक्टर लोग इसको सेल कर देते हैं क्लोज यूनिट को तो वो सेक्शन 180 की डेफिनेशन में अंडरटेकिंग में काउंट नहीं हो रहा है वो कर सकते हैं साथ क्लियर एकदम मेरे बच्चों को क्लियर होगा यहां तक का कोई डाउट नहीं होगा अब मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊं एक बात याद रखना एग्जाम के परस्पेक्टिव से मैं बोल ही रहा हूँ बार बार इम्पोर्टेंट है इंपॉर्टेंट है ठीक है बट जब मैंने आपको शुरू किया इन लोगों के साथ मिलाकर बात कराना तो इसलिए किया था आपको समझ लें जो फेस है ये डायरेक्टर्स है कंपनी के अंदर चेयरमैन ठीक है

जो कि उन्हें कमजेक्ट में बताई गई है या मेमोरेंडम आर्टिकल्स में या फिर जिनको शेयर में ऑथोराइज क्या कर सकते हैं और इन पावर्स को शेयर होल्डर्स सुपरसेड नहीं कर सकते हैं हटा नहीं सकते रिमूव नहीं कर सकते हैं को। बट, एटी उन्हें किया, तो वहां देखा कि कुछ रिस्ट्रिक्शन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पावर्स पर लगाई जा सकती हैं चाहे वो सेल और लीज और डिस्पोज ऑफ अंडरटेकिंग्स को लेकर हो या ऑफ कोर्स कंपनी के हाँ इंपॉर्टेंट बात एक और इंपॉर्टेंट बात बेटा अगर मान लीजिएगा कोई कॉम्पनशन अमाउंट रिसीव हुआ है अमाउंट रिसीव हुआ है मर्जर अमल कमीशन के बाद में तो कंपनी अगर उसको इन्वेस्ट करने जा रहा है तो उसके लिए भी स्पेशल आपको रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा प्रोवाइडेड अगर वही जो कॉम्पनसेशन अमाउंट आफ्टर मर्जर अमल कमीशन कंपनी को मिलता है और वो किसी ट्रस्ट की सिक्योरिटीज में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है तब याद देखिएगा सेक्शन हंड्रेड अट्रैक्ट नहीं होता मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं होता है ये हम पॉइंट छोड़ रहे थे बीच में आपको इसलिए वापस बोल दिए ठीक है ऑलराइट ये डायरेक्टर्स को रेमिट कर रहे एक पैमिट टाइम दे रहे हैं ठीक है तुम बेटा पेमेंट कर सकते हो जो हमको लोन दिया था उसके लिए तुम ठीक है भी कर सकते हो सो so, यहाँ पर हमने सेक्शन को अच्छे से कवर कर लिया है फिर भी कोई क्वेरी रहेगा एनआर के नाइन का व्हाट्सएप पे पूछेगा या कमेंट बॉक्स में पूछेगा बाय